8 महीने हो गए घर से दूर है। अच्छा, अगर आवाज कटे तो बताना, मैं कैमरा बंद कर लूंगा, ठीक है? वैसे जरूरत क्या है कैमरे की? जी, तो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप, नसरीन मंदूर? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं आप बुजुर्ग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की दुआएं, मेहनत करिए। सही चल रहा है, खैरियत सही चल रही है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अमरीन इस बार JRF लेके आना है। अब सेहरा तो किसी और सर के लगा सर लगा ही देंगे आप। नहीं अल्लाह सर, ताला ऐसा कुछ नहीं। आपको कामयाब करे। जी चलें, ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, इबारत पढ़ें अमरीन, पूरा क्वेश्चन, पूरी पूरी इबारत पढ़ दीजिए जल्दी से। अमरीन गए क्या? जी सर, हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूरा पढ़ दें। अय्युम मिम्मा यली मिनल मरफूआत अलिफ इस्मुन यज़करु ली बयानी सबबी सबबी वुकूइल फ़िअली बा इस्मुन यदुल्लु अला मन वक़ा अलैही फ़िअलुल फ़ाइली मस्दरुन मन मिन लफ़्ज़िल फ़िअली याती ली तौकीदिही औ बयानी नौईही सा इस्मुन यदुल्लु अला मिन फ़िअलिल फ़िअली औ क़ाम बिहिल फ़िअलु बिहिल फ़िअला। चलिए तर्जुमा कर दीजिए फिर जवाब भी। इनमें से मरफूआत कौन है? ठीक है, वो इस्म जो फेल के वकूअ के सबब के बयान के लिए जिक्र किया गया हो। तो यह है मरफूआत में से, सबबी वकूअ फेल से क्या मुराद है सर? इसमें तो ठीक है, मरफू होता है, लेकिन सबब वकूअ फेल मतलब इसमें मरफू होता है? अच्छा, नहीं, मतलब कभी कभी। ठीक है, आपको जवाब दीजिए, गोया कि समझो ये एग्जाम में आ गया है, इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूँ आपसे, चेक करिए फिर अपनी नॉलेज। हालांकि ये वाला है ना, ये हमारी ग्रामर के क्लास में हुआ है, और इसी तरीके से ये वाला हमारी ग्रामर के क्लास में हुआ है। इसलिए मैं पता है क्या कहता हूँ, जैसे अभी आप लोग ना, अगर टाइम मिले, अभी पता नहीं कितना टाइम मिले, अन्नहुल वाजे ना, उसके जो 6 पार्ट्स हैं पढ़ डालो, अपने आप से पढ़ डालो उसे। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा यूट्यूब की वीडियो होंगी, मैं भी इंशाल्लाह उन नहुल वाजे में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत डिटेल है, बहुत मिसालें हैं, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे उसी को पढ़ाएंगे पूरा, चाहे 2 पार्ट्स कर लेंगे, एक कोर्स में इब्तदाई वाली और एक कोर्स में सानवी वाली। चलें, सही जवाब दे दें हमें। सिर्फ एक ही आंसर है सर। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, एक आंसर है। अगर देखा जाए तो वो हाईलाइट किया हुआ है, वो तो नहीं आंसर मतलब हम पूछ रहे। हाँ हाईलाइट वाला ही आंसर है, लेकिन आंसर देने से काम तो नहीं चलेगा ना, जी सर, ऐसे तो सब पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे तो चाहिए ना लॉजिक। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक जी सर। है, किसी और को बुलाऊं अगर आपका नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ा सा, हाँ जी सर, हम तब तक थोड़ा सोचते हैं। हम थोड़ा सा मैं आपको ऐसा एक हिंट और दे रहा हूँ, अभी रहो मेरे साथ। ये एक्चुअली डेफिनेशन है चीजों की, हाँ जी सर, डेफिनेशन है। मरफूआत कौन कौन है, मंसूबात कौन कौन है, ये बात हमारी बहुत होती है। अब ये डेफिनेशन दी हुई है सब चीजों की, जी सर, आप थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा टाइम लगा लो। जी सर।
सो हमको ही आंसर करना है, आप किसी और से पूछिए, हम तब तक थोड़ा देखते हैं। ठीक है, नसरीन मंदूल मोहनदल, आप अपना नाम का उच्चारण करो एक बार। जी। क्या बोलते हैं, नसरीन मोंडल? हाँ। ठीक है पढ़िए। मोंडल सुनने में कैसा लगता है मुझे, मेरे जहन में ये फंस गया मंदूल, और मैं बोलता ही आपको पता भी है। पूरा पढ़ूं? अब जवाब दीजिए, पूरा तो उन्होंने पढ़ दिया, जवाब दीजिए क्यों, क्या है ये सब? जवाब तो यही वाला है कि इस्मुन यदुल्लु अला मन फअल अल-फ़िल अव क़ाम बिल-फ़िल, जो काम करता है और जो करवाता है। जवाब देने से काम नहीं चलेगा, मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन और क्या जवाब है, ये समझ में आ गया? समझ में आया है, पूरा नहीं आया है। बताएं कितना आया है, सवाल क्या है, जवाब क्या देना होगा और क्या समझ में नहीं आ रहा है? सवाल आया समझ में? जी। बगैर ऑप्शन? हाँ। मरफूआत में कौन कौन सा आएगा? हाँ बताइए। तो मरफूआत में ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा, जो जो भी इसम, मतलब ऐसा कुछ इसम जो काम करता है और करवाता है, वैसे कुछ इसम को ही, मतलब वो सब ही मरफूआत में आएगा। ठीक है, देखो मैं फिर से अगेन बोल रहा हूँ, नसरीन आपके पास थोड़ा 4-5 दिन है अगर, तो अगर नहुल वाजे के ना वो 3 पार्ट इब्तदाई वाले पढ़ लोगे तो उससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। मतलब अपना मुताला कर लेना, थोड़ा सा सरसरी मुताला, जल्दी जल्दी में तारीफें देखना, थोड़ी एग्जाम्पल देखना, ऐसे करके मुताला वो 3 पार्ट जो इब्तदाई वाले बिगिनर्स के, वो देख के चले जाना, बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी आती है कि तारीफ दे दी, अब पूछेंगे ये तारीफ किसकी है, ऐसे आती है 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, तो ऐसा काम कर लेना। ठीक है नसरीन, बाकी अमरीन आपके पास भी काफी टाइम है, आप भी कर सकते हो, और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख लेना आप लोग, इनको अमरीन को कह रहा हूँ, आप लोग प्रीवियस वीडियोस जो हैं, आज ही मैंने लिंक शेयर की थी पूरी, तो वो आप पुरानी वीडियोस देख लें। नहुल वाजे के आप तो अभी आपके पास तो पूरा 50 दिन है, तो उसमें भी मतलब नहुल वाजे को जितना पढ़ सकते हो अपना पर्सनली पढ़ लेना, उसका इजी अंडरस्टैंडिंग शुरुआत से है, शुरुआत से पढ़ना शुरू करें और चीजें समझती चले जाएं, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। वरना फिर नौह की कोई उर्दू किताब ले लें, नौह की कोई उर्दू, देखें मैं क्या बताऊं, मैंने असल नौह जिस किताब से पढ़ी ना 2011 में या 12 में, वो एक किताब होती थी तहसीलुन नौह, सच में ये किताब बड़ी जबरदस्त है, काफी डिटेल थी इस किताब में। अब पता नहीं ये कहाँ पे मिलती है, मिलती भी है नहीं मिलती है, मदरसे वालों ने उस टाइम पे डाली थी, हमने पढ़ ली थी और चीजें समझ में आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आया था समझ में। चलें सर, मैं एक बंगाली किताब पढ़ रही हूँ। हाँ शमीम, हाँ मैं कह रहा हूँ किताब तो है लेकिन उतना मशहूर नहीं है ना, किसी बहुत जैसे नौल वाजे है, चाहे किसी के मदरसे में हो ना हो लेकिन सबको पता है, हिदायतुन्नौ किसी के मदरसे में हो ना हो लेकिन सबको पता है, ये वो किताबें हैं, लेकिन तहसीलुन्नौ वो टाइप की नहीं है कि सबको पता होगा, जिसने पढ़ी होगी जिसके मदरसे में होगी उसको पता है, समझ रहे शमीम? हाँ चलो नसरीन जवाब दो, आप बहुत लेक्चर हो गया। यदुल्लु अला मन फअल अल-फ़िल, फाइल मुराद है सर, इस पर फेल का काम दलालत करता है, फाइल मुराद है सर, इस पे फाइल मुराद है। हाँ यदुल्लु अला मन फअल अल-फ़िल। ठीक ठीक ठीक। औ क़ामा बिहि अल-फ़िल, नाइब फाइल। हाँ नाइब फाइल, नाइब फाइल मुराद है। हाँ जिससे तो ये मरफू होता है हमेशा, फाइल और नाइब फाइल। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है? चलो सना जल्दी बताओ। वो तो बोले सर, ठीक है बोलिए, मफूल होगा, बोले लहू। हाँ इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो, तर्जुमा करो सना। इस्मुन यस करो, ते बयान यूज करो, यूज करो, जी जी यूज करो, ते बयान सबबे वकुइल फिले। हाँ एक ऐसा इस्मु जिसको जिक्र किया जाता है, जिसका जिक्र किया जाता है फ़ाइल के वाक़े होने के सबब और बयान के लिए। हाँ जैसे उसकी मिसाल क्या होगी, ज़रब तो, ये एग्जांपल भी आ सकता है, ज़रब तो तादीबन लहू, ज़रब तो हूँ तादीबन, ठीक है, तो मैंने उसको मारा अदब सिखाने के लिए, तो अदब सिखाना क्या हो गया, ये मफ़ऊल लिअजलिही या मफ़ऊल लहू, ठीक है, मफ़ऊल लिअजलिही या मफ़ऊल लहू इसको बोला जाता है, ये ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल आ सकती हैं, तो मफ़ऊल लहू को भी थोड़ा सा देख लेना, ऑलरेडी पता होगा, पता नहीं क्यों तारीफ समझ में नहीं आ रही थी आपको,
ये कोई इतने बड़े टॉपिक थोड़ी है, इतना पेचीदा सवाल थोड़ी था ये वाला, लेकिन तारीफ में फंस गए आप लोग। ठीक है सर, सुनिए ना, मफूल लहू और मफूल अजली ही क्या सेम होता है? जी जी बिल्कुल ठीक है, एक ही चीज है, वो कुछ मसला नहीं है। मफूल अजली जब शायरी का लाइन पूछ लेता है तब मतलब समझ में नहीं आता, शेर का लाइन, शेर का लाइन बहुत दूर की बात है, ये इतना आसान नहीं हो रहा। ठीक है चलिए सना आगे चलें। सर सेकंड वाला, इस हाँ यदुल्लु अला मन वका अलैहि फ़इल अल-फ़ाइल, वका अलैहि फ़इल अल-फ़ाइल, फ़इल अल-फ़ाइल एक ऐसा इस्म जो दलालत करता है इस बात पर कि जिस पर फ़इल का फ़ाइल वाक़ई हो, तो यहाँ पर मफ़ऊल बिही। ठीक है मफ़ऊल बिही मुराद है, मतलब ज़रबा ज़ैदुन अमरन, तो ज़ैद ने अमर को मारा, तो ज़ैद की मार पड़ी किस पे है, तो ज़ैद है और उसका फेल क्या है, मारना, और ये मारना पड़ा किस पे है, मारना किस पर हुआ है, किस पर वाक़े हुआ है, अमर पर, अमर पर। ठीक है तो अमर क्या हुआ, मफ़ऊल मफ़ऊल बिही। चलें तो ये क्या, ये पहला क्या था, मफ़ऊल लहू, ये क्या होता है मनसूब, मफ़ऊल बिही क्या होता है मनसूब, अगला बताए मसदर मन लफ्ज़ुल मन लफ्ज़ुल फ़इल याती रे तौकीदी थी और बयाने नौई, मसदर मिन लफ्ज़ुल फ़इल, मन लफ्ज़ुल फ़इल याती रे तौकीदी, फ़इल के लफ्ज़ से हो मसदर जो आता है उसके ताकीद और उसके नौईयत को बयान करने के, बयान के लिए, जैसे मफ़ऊल मुतलक, अकल तो अकलन, अकल जलस तो जिल सतन। ठीक है तो ये क्या होता है मफूल मुतलक, और मफूल मुतलक क्या है बल्कि पूरे मफाइल खमसा वो तमाम के तमाम जो है मफूल वो मंसूब होते हैं, मंसूब होते हैं, जबकि ये वाली चीज इस्मुन यदुल्लु अला मन फअलल फ़इला औ क़ामा बिहिल फ़इलु। ठीक है यानी जिसने काम किया या काम अंजाम हुआ जिसके जरिया से, तो वो क्या ये फाइल के बारे में है, ये किसके बारे में है, फाइल के बारे में, और फाइल किस में से होता है, मरफूआत में से होता है, फाइल किस में से, मरफूआत में से होता है, तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से अपने जहन में रखेंगे। ठीक है छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है आप काफी चीजें समझ सकते हैं, यानी इतनी तारीफात हमें मिल गई यहाँ पे, मैंने कहा था कि हमने ये चीज पढ़ी थी अगर पिछले टाइम से होंगे हमारे पास पिछले क्रैश कोर्स से, और ये दोनों चीजें मैंने मफूल बिही की बहस हमने पढ़ी हुई है, फाइल की बहस पढ़ी हुई है, और शायद इसी क्रैश कोर्स की शुरुआत में हमने यही शुरू किया था शायद। ठीक है चलें अगला सवाल है यहाँ पर, इसको कौन हल करेगा, चलो मैं नाम ले रहा हूँ, हयात आप आ जाओ इसको सवाल, हयात यस सर सॉल्व करें। किस तरह करूं सर, इसको हल करें, इसका जवाब दें, क्यों है, क्या है ये, क्या पूछा गया यहाँ पे, सर समझ में तो कुछ नहीं आता सर, कान हाँ सईद आप बताओ, सईद सर मैं बताऊं, ठीक है जी सर, कौन आप बताओ सर, यहाँ है कान्ना अल-मुमर रिजताइने मलिकाइने अल-मुमर रिजताइने मलिकाने अल-मुमर रिजताने मलिकाइने अल-मुमर रिजताने मलिकाने, तो ये बा वाला सही होगा क्योंकि कान्ना जो है उसके इज्म को नसब देता है और खबर को रफा देता है, और यह मुमर रिजताइने मतलब ये जमा मुज़क्कर सालिम है तो यह नुन से नसब दिया गया है, और मलिकाने मुसन्ना है इसलिए अलिफ से रफा दिया गया है, तस्निया मुज़क्कर सालिम मुज़क्कर मुअन्नस। वैसे आपको इतना जवाब नहीं देना था इसलिए तो कहते हैं ज्यादा लिख के मत आओ, ये था आपने बोल दिया था पहले वाले में, लेकिन ये मुमर्रिज़ ने क्या बोला, जमा मुज़क्कर क्या बोल दिया आपने, जमा मुअन्नस सालिम क्या बोला था, जमा मुज़क्कर बोला था नहीं, ये तो मुसन्ना ठीक है, ये तस्निया है बस,
तो इसका इराब इसी तरीके से होता है। तो ये हालत नसब में है, हालत नसब में है क्योंकि ये इन्ना और उसके अखवात में से है, कान्ना इन्ना और उसके अखवात। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका समझो पक्का है आपके डब्ल्यू बी सेट में, ऊपर से उस तरीके से भी कोई सवाल बन सकता है। तो कान्ना जो है अपने, तो इन्ना का इस्म मनसूब होता है और उसकी उसकी जो है जो खबर है वो मरफू, उसका इस्म जो है मनसूब होता है और उसकी खबर मरफू होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कान्नल मुबर्रिजा तैनी मलिकाने, यानी गोया की नर्सिस क्या है, फरिश्ता है, यानी फरिश्तों की तरह काम करती हैं। जब किसी ने मानो कोई मरीज हॉस्पिटल में गया और मरीजात ने बहुत अच्छा काम कर दिया उनके साथ, बहुत अच्छे ख्याल कर लिए, तो उसने कहा कि गोया की नर्सिस जो हैं वो दो नर्सिस वो फरिश्ता हैं। ठीक है, तो मुमर्रिजतैन मलिकाने, तो ये भी तस्निया की हालत में है, मलिकान भी तस्निया की हालत में, मुमर्रिजतुन और ये मलिकुन। ठीक है, तो उसके लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक सवाल आपका यहाँ पे, क्या नहीं आया, मतलब मुअन्नस नहीं आएगा, मलिकतानी नहीं आएगा। हाँ, तो वही मैं बताने चाह रहा था, एक सवाल पैदा हो सकता है आपका कि मुअन्नस क्यों नहीं आया। तो मलिक एक चीज है, ठीक है, उसके लिए आप मुअन्नस का लफ्ज बना ही नहीं है, मतलब फरिश्ता फरिश्ता वो एक जिन्स है, उसमें मुअन्नस मुदक्कर पता ही नहीं है। ठीक है, कि फरिश्ते मुअन्नस है मुदक्कर है, वो चीजें पता भी नहीं है। तो आपका उसके लिए वो लफ्ज बना है, कोई मलिका मलिका कहोगे तो वो बादशाह कुछ और बन जाता है, तो वो चीज आई ही नहीं है इसमें। ठीक है, अरबी में इसका इस लफ्ज के लिए, इस मीनिंग के लिए मुअन्नस का यूज है ही नहीं। ठीक है, तो उस वजह से चाहे यहाँ पे अगर मुमर अगर मर्दों के बारे में होता कि वो दो मर्द फरिश्ते हैं तो ये भी तब भी मलिकान ही होता, यानी मुअन्नस वाली बात यहाँ पे मुदक्कर मुअन्नस वाली बात नहीं देखी गई है, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि आप कहो कि लेडी फरिश्ते। ठीक है, चले फिर उसके बाद अगला ये पढ़ेंगे। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसे चले देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सईद आप बताओ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, असबह अल हिंदीयूना मुनशगलीना बितत्वीर तालीमे। अच्छा, तो हाँ। यहाँ पे सर ये सही है क्योंकि असबह ये अफाल नाकिसा है और अल हिंदीयून उसका इस्म है, इसलिए रफा मरफू है, और ये जाऊं जकर साले में इसलिए वाउन उनके साथ इसका इराब आया है, और ये मुनशगलीना ये इसम फाइल है, और ये जमाना सालिम के हिसाब से ये नसब की हालत में ये असबा की खबर होने के बिना पर इसलिए ये नसब की हालत में है। बिल्कुल सही बात है, असबहल हिंदीयूना मुनशगलीना, तो काना के अखवात में से असबहा, याद रखना। तो यहाँ पे असबहा माने हिंदू, ये हम ये वाली बहस पूरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, काना उसके अखवात वाली बहस पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, तो असबहल हिंदीयूना मुनशगलीना बितत्वीर तालीमी, इसका बताएं आप ये क्यों गलत है? क्योंकि सर यहाँ पे दोनों रफा की हालत में है, तो क्या होना चाहिए था, किसको क्या होना चाहिए था? हिंदीयून सही है, मुनशगलून को या होना चाहिए था। ठीक है, ये क्यों गलत है? ये उल्टा है, ये मुनशगलून रफा है और ये हिंदी नस, हिंदी ये नसब की हालत में, इसको नस रफा और इसको नसब करना चाहिए था, और इसमें दोनों ही नसब और जर की हालत में, एक को रफा, पहले को रफा और दूसरे को नसब की हालत में, वो सही रहता। ठीक है, ये वाला क्यों गलत है? कौन सा सर, आखिरी वाला? हाँ, आखिरी वाला ही सर, दोनों ही नसब और जर की हालत में है, ये इसमें पहला वाला नसब की हालत में होना चाहिए, वाउन होना चाहिए, और दूसरा वाला सही है। ठीक है, ठीक है, तो ये है थोड़ी डिटेल, बहुत अच्छे से बताया माशाल्लाह, काफी एक्सप्लेन किया, तो याद रखना। तो कई टॉपिक है यहाँ पे देखें, वहां पे गोया की मरफूआत मनसूआत से बात कर ली, ये क्वेश्चन को पैटर्न को समझो, यहीं से तो एनालिसिस होता है। यहाँ पे किस पे बात कर ली, मरफूआत मनसूबात, अब समझो कि तारीफात को भी याद करना। मैंने याद है बोला था कि तारीफात याद कर लिया करो, आ जाता है। सईद आप तो हमारे साथ हो ना? जी सर। हाँ, फिर यहाँ पे देखो इन्ना और उसके अखबात की बात कर ली इन्होंने, ठीक है, पूरी ग्रामर यहाँ पे 400-500 क्वेश्चन में ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने आपका किसकी बात कर ली, ये काना और उसके अखबात की बात कर ली, तो इन टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक यहाँ से ही तो पता चलेंगे एनालिसिस और कैसे होता है इस दुनिया में, लेकिन कोई पीवाईक्यूज को देखो तो अच्छे से। चले इसका सवाल, इसका जवाब दें आप, कौन देगा? मैं बुलाता हूँ शगुफ्ता, आप आ जाओ, बल्कि आयशा आप आ जाओ, आयशा इस क्वेश्चन का जवाब दो।
जी मोमिन डरते हैं कयामत के दिन। नहीं नहीं पहले इबारत पढ़ना है। अल मोमिनु यक्षा योमल कयामते हजरा अखु मुहम्मदिन योमल योमल जुमाते काबिलतु यो जातल जाता योमिन काबिलतु जाता योमिन काबिल काबिल। ये तो फाइल का वजन है, ऐसा कोई फाइल बन सकता है क्या, फेल बन सकता है क्या? काबलतु जाता योमिन। हाँ काबलतु ठीक है। चले तर्जुमा करें। मोमिन कयामत के दिन डरते हैं। ठीक है। मोहम्मद के भाई हाजिर हुए जुमा के दिन। ठीक। मैंने उसे कबूल किया दिन, मैंने दिन वाले को कबूल किया। ठीक है, कोई सही तर्जुमा बताया इसका? काबला माने मिलना, काबला माने मिलना। चले सही जवाब बता दें, क्यों क्या चल रहा है ये सब, एक्सप्लेन कर दें। जी पहला वाला भी सही लग रहा, मोमिन कयामत के दिन डरते हैं। नहीं डरेंगे, यहाँ है, यहाँ है, ये चीजें यहाँ है। इख्तर अल इराब असही कलमत, ये कह रहा है इख्तर अल इराब असही। चले आप बताएं कोई क्या पूछा गया है। यौम कलमे का सही इराब चुने साबिका मिजाजों हाँ। में तरतीब पर जो आई है। बिल्कुल तरतीब पर जो आई है। हाँ मतलब तरतीब के साथ। तो बताएं अल मोमिनो यक्षा योमल कयामत, मोमिन कयामत के दिन डरेंगे, ये भी सही लग रहा है। नहीं नहीं नीचे है ये, अभी सही क्यों लग रहा है, ये जवाब देना इन चारों में से। मफूल भी ये पता नहीं कहां से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट नहीं होता तब मजा आता सच में, बहुत ज्यादा मजा आता। मफूल भी है, ज़र्फ़े जमा मुज़ाफ़िल है। तो समझाएं मुझे ऊपर की मिसालें में कौन मफूल भी है, कौन ज़र्फ़े ज़मान है, कौन मुज़ाफ़िल है और कैसे कैसे, एक्सप्लेनर चाहिए मुझे, पढ़ाएं मुझे, पढ़ा दीजिए तब पढ़ा दे मुझे बस। अब बच्चों ये समझो मुझे पढ़ाना है आप सब, ठीक है? क्या मतलब है इसका, ऑप्शन का क्वेश्चन का क्या समझ में आ रहा है, क्या लिंक है? जी ये लग रहा काबल तो हो जाते यो में। अभी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है ना। जी इसके बताना कि ये मुजाफ मफूल भी बन रहा है जाते यो में और ज़र्फ़े ज़मा भी है और मुजाफिल है। अच्छा अच्छा देखें फिर से पढ़ें। इख्तर अल इराब सही, सही इराब चुनिए लिकलिमत योमिन, योम कलिमा के लिए, फॉर द वर्ड ऑफ डे, क्योंकि यहाँ पे भी वाक्य है, यहाँ पे भी वाक्य है, यहाँ पे भी वाक्य है। क्वेश्चन समझना आज के टाइम पे हर एग्जाम में, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे यूजीसी नेट, चाहे पीएचडी, क्वेश्चन समझना एक अलग से बड़ा चैलेंज बना हुआ है बच्चों के लिए, एक बड़ी तादाद के लिए। जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? फिर समझ सकते हैं कि उनके जवाब की क्वालिटी क्या हो सकती है जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। तो इख्तर अल इराब सही लिकलिमति यौम, सही इराब बताइए कलिमति यौम के लिए। तीन मिसालें इन्होंने दे दी, नंबर एक टू थ्री, यौम यौम यौम, तीनों जगह पे फिलमसलत साबिका पीछे गुजरी मिसालों में, इसलिए कहा अलमसलत साबिका। यहां से भी तो पॉइंट देख सकते हो कि तीन मिसालें ऊपर, एक दो तीन, अलग तरतीब तरतीब वार, मतलब पहले इसका बताओगे फिर इसका बताओगे फिर इसका बताओगे। देख लो यहाँ क्या वाक्य है यौम, यहाँ क्या वाक्य है, यहाँ क्या वाक्य है, यहाँ मनसूब है, यहाँ मनसूब है, यहाँ मजरूर है, क्यों है, वो जवाब देना होता है। अब बताओ जवाब तो है, जवाब क्लियर है, लेकिन समझाना है। आप समझ सकते हो कि
المؤمن یہاں یوم القیامت مفعول ہے ترجمہ کرو آپ ترجمہ کرو مومن قیامت کے دن ڈریں گے قیامت کے دن ڈریں گے مفعول واقع ہے اچھا اس ترجمے سے مفعول واقع نہیں ہو رہا ہے امرین چلے آپ سوال پوچھ لیں کیا ہے نہیں سر جواب دیں اچھا چلے ٹھیک ابھی میں ایک ہی بندے کا ایک بندہ جب ہار جائے گا تب دوسرے بندے پہ ٹھیک ہے جی ہاں جو ترجمہ آپ کر رہے ہو نا اس کے حساب سے مفعول بھی نہیں واقع ہو رہا اس لیے ترجمہ ٹھیک کریے مومن یہی تو ترجمہ ہوگا مومن ڈریں گے قیامت کے دن تو اس ترجمے سے نہیں ہو رہا ہے اس ترجمے سے ہو رہا ہے یوم القیامہ کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں ڈریں گے نا تو ظرف میں فی محذوف ہوتا ہے فی یوم القیامت تو یہ کہاں یہ تو ظرف ہو گیا سے مفعول بھی بتا رہے ہو یا پھر اس کو صحیح کر دو کسی اور کو صحیح کر دو ہاں ان کو آپشن بھی دینا نہیں آیا صحیح طریقے سے تھوڑا اور کٹھن آپشن دیا جا سکتا تھا بتائیں سمجھ پا رہے ہیں یہی تو سمجھانا تھا مومن قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں مجھے نہیں پتا ڈرتے ہیں ڈرتے آپ ڈرتے ہو ہاں ہاں پہنچ تو گیا صحیح ہے تو مومن ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے یخشا یوم القیامہ ٹھیک ہے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں یخشا یوم القیامہ قیامت کے دن ڈرتے ہیں یا قیامت کے دن ڈریں گے یہ بن جاتا ہے ظرف دیکھیں ترجمہ یہی صرف ترجمے کے اس سے بدل جائیں گی چیزیں ٹھیک ہے یخشا یوم القیامہ قیامت کے دن ڈریں گے تو یہ بن جائے گا ظرف کیونکہ وہاں پہ فی کا معنی دے رہے ہو قیامت کے دن میں ہے نا زمانے میں لیکن اگر آپ نے کہہ دیا قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں تو مطلب وہ مفعول بھی بن گیا کیا بن گیا مفعول بھی بن گیا تو یہی چیز سمجھانا تھی یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا مفعول بھی ظرف مضاف الیہ سارے کنسیپٹ یہاں پر آ گئے دیکھیں گے کتنے کنسیپٹ آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کوشچن میں چلیں کون سا آ رہا ہے یہ کیا ہے آپ کا مفعول بھی کیونکہ ترجمہ کیا ہوگا قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں چلیے آگے محمد کے بھائی حاضر ہوئے جمعہ کے دن ہاں یہاں ظرف جمع وقت بتایا جا رہا زمانہ ٹھیک ہے میں نے اس سے جمعہ والے دن جمعہ کے دن نا دن ذاتا یومن کسی دن اینی ڈے میں نے اسے کسی دن بلایا ملاقات کی ملاقات میں اس سے کسی دن ملا تو یہاں پہ کیا ہے یوم کا اعراب مضافر ہے یہ اعراب یہ اعراب یہاں پر ہے منصوب یہاں پر ہے منصوب یعنی یہاں پہ ہے ظرف ابھی منصوب مجرور کو چھوڑو یہاں پہ ہے ظرف یہاں پہ ہے مفعول اور یہاں پہ ہے مضاف الیہ ٹھیک ہے تو اچھے سے یاد کر لینا منصوبات مجرورات اور مرفوعات ٹھیک ہے ان کو اچھے سے صحیح کر لو باقی میری رائٹنگ تو ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے سن لیا کرو مجھے ہے نا ہاں ہاں پہلے والے میں مفعول بھی ہے وہ بھی آپ کا بن سکتا ہے ترجمے کو دیکھ کے ٹھیک ہے اگر ترجمہ لیکن بیٹر ہے کہ آپ ہم جیسا ترجمہ ہے کہ دن سے ڈرتے ہیں وہ اصل ہے کہ دن میں ڈریں گے وہ کوئی میننگ نہیں دینا چاہ رہا ہے یہاں پہ چلیں انہوں نے غلطی کی ہے سوال میں ہی غلطی کر دی ہے پھر بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کون آئے گا سامنے سوال ہی غلط ہے کیا کریں اس کا چلیے امرین بتائیے
أعجبني في الحديقة زهرتين جميلتين. ها؟ كيف؟ वो अजबनी फिल और फाइल. अब आप ये बताओ मेरे तालिबे इल्मों में कब ये सलाहियत आएगी कि वो बता सकें कि सवाल ही गलत है. ये मैं चाहता हूँ लेकिन नहीं. कब से मैं बोलता हूँ कि आप पता लग ऐसा पढ़ो ना बता सको कि ये किताब में गलती है ये क्वेश्चन में गलती है. वो हाँ लेवल का कॉन्फिडेंस और वो लेवल की नॉलेज. मुझे कोई बताएगा क्यों गलत है क्या गलत है? यहीं से ही देख के कुछ ना कुछ सही करो. कैसे सही हो सकता है क्या क्या वे हैं सही करने के. ये गलत है. क्वेश्चन में दो गलतियां हैं सर. इसमें तो फाइल होना चाहिए था लेकिन ये तो हालत नस्बी और नस्ब की हालत में तो नहीं होगा ना क्योंकि हाँ, कुछ भी है नहीं. तो क्योंकि इसका फाइल बनता है जहरतुन होना चाहिए था. हाँ तो आपका जो है जहरतुन होना चाहिए था जमीलतुन. चले इसी के हिसाब से सही करो. तो ये होना चाहिए था जमीलताने है ना और ये होना चाहिए था आपका जहरताने. लेकिन अभी एक गलती और है. आजबनी फिर लाजिम का माना देता हूं. तो वो आएगा आजबतनी मुअन्नस. क्या आएगा मुअन्नस. अरे भाई साहब हमने सिर्फ इतना ही तो सिखाया है कि फाइल जाहिर होगा तो मतलब कुछ भी होगा वो वाहिद आएगा. ये तो नहीं कहा कि वाहिद मुअन्नस का भी वाहिद मुदक्कर ले आओगे किसी का भी वाहिद मुदक्कर ले आओगे. ये मुअन्नस की चीज है इसको वाहिद मुदक्कर तो नहीं ला सकते ना. वाहिद मुअन्नस लेके आओ. आप समझे नहीं मैं क्या कंसेप्ट बताना चाह रहा था. मैं ये कहना था चाह रहा था आप कहोगे जा अर रजुलो. अभी बहुत बार पढ़ा दिया मैंने ये वाला जा अर रजुलाने. ठीक है जा अर रिजालो ये कह सकते हो आप. ठीक है क्योंकि ये फेल हाजिर है फेल सामने है बिल्कुल. और इसी तरीके से आप कहोगे जाअत इमरातुन. और इसी तरीके से क्या बोलेंगे जाअत इमरताने जाअतिन निसाओ. आप ऐसा बोल सकते हो लेकिन ये तो नहीं बोल सकते कि जा इमरातानो. बोल सकते हो जा इमरताने बोल सकते हो क्या? नहीं सर. नहीं बोल सकते तो क्यों कह रहे हो आज अबनी मतलब वाहिद मुजक्कर वाला मुअन्नस है ये मुअन्नस लेके आओ. तो दो गलतियां मिल गई आपको. तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए अमरीद जी सर. इंशाल्लाह एग्जाम में तूफानी अंदाज में फोड़ने के लिए जी सर. सिर्फ एग्जाम में नहीं सर लाइफ में भी चाहिए. लाइफ में फोड़ने के लिए. चलें अगले जुमले के लिए कौन आ रहा है? तो आज अब नहीं अगर कहेंगे फिर हदीकते जहरतैन तब तो करेक्ट होगा ना सर. जहरतैन जहरताने जमीलताने ये फाइल बनता है. ये फाइल बनता है इसका जो भी आजबनी होता है ना जी. ठीक है वो फाइल बनता है. ठीक है फाइल बनता है. तो आजबतनी फिल हदीकते हदीकताने या तो अभी दो ऑप्शन है यहाँ पे इसमें ये भी गलत है जहूर. ठीक है चलो छोड़ो. तो जहरताने जमीलताने या तो कहो पहले आजबतनी को ठीक करना होगा. आजबतनी फिल हदीकते जहरताने जमीलताने बाग में मुझे दो फूल पसंद आ गए. एक ये बन सकता है दूसरा ये बन सकता है कि आज बतनी फिल हदीकते जहरतुन जमीलतुन जमीलतुन. ठीक है तो ये दो वे थे. वही मैं कह रहा था कितने वेज हैं इसको सही करने के. जी सर. जो या है वो होगा ना सर मफूल. वो मफूल है वो मैं हूँ कि मुझे पसंद आ गई. क्या पसंद आया? वो फाइल बन रहा है. तो ये वाला कंसेप्ट समझना. आई लाइक यू आई लव यू ये मुझसे पता है सेकंड ईयर के उसमें पूछा गया था. मैं उस टाइम मुझे नहीं पता था. सेकेंड ईयर का मतलब 2018 की बात है ये जून जुलाई 2018 की बात. तो उनसे उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि जेएनयू में सेकेंड ईयर में कि आई लाइक यू का तर्जुमा बताओ. पहले पूछा आई लव यू का बताओ. उन्हें पता था फंस जाएगा अगर नहीं डिटेल में पढ़ा. हालांकि आज के टाइम पे बच्चों को पता होता है फर्स्ट ईयर में ही बीए के आई लाइक यू का क्या तर्जुमा आई लव यू का तर्जुमा क्या. बताएं कोई बताएगा I love you का? I like का आजबनी. आजबनी. I like you. गलत. सर मतलब like के लिए आजब का यूज होगा और love के लिए उहब. इसका तर्जुमा करो. उहब का होगा सर I second वाला. I love you का हो गया उहब का और I like you का? अंता आजबनी. अंता? आजबनी. नहीं सही करो. वाहिद मुजक्कर क्यों?
ये आज जबतनी पहली बात तो प्रेजेंट लाओ ना, मुजारे लेके आओ, उहिब्बो का ये मुजारे लेके आ रहे हो, आज अब योजिबो उजिबो होगा घबराहट तो अजिबुनी अंता तो अजिबुनी तो अजिबुनी ठीक है ऐसे होगा सर जी आज अब योजिबो से मुजारे के उसमें मतलब आपने मुझे पसंद करने पे मजबूर करा ऐसे कुछ पसंद पे करने पे मजबूर नहीं किया अंता तो अजिबुनी हाँ मुझे पसंद आते हो जी सर यू आर लाइक्ड बाय मी ऐसे होगा सर नहीं 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 ऐसा ही है इजाब यूज होता है लाइक के लिए तो वो अंदाज है इसका मतलब इस फेल में ऐसी कुछ खासियत है अच्छा तो डायरेक्ट जैसे उहिब्बु का है वैसे कोई नहीं होता सर डायरेक्ट वही तो कह रहा हूं तो इजाब आता है और इजाब इसी तरीके से यूज होता है अच्छा जी सर तो अंता तो अजिबुनी कहोगे आई लाइक यू तो अंता अजबतनी ठीक है अंता अजबतनी I loved you, ahbabtuka. ठीक है ahbabtuka, ahbabtuki. हाँ सना कुछ बोल रहे हो आप तो अजीबुनी क्यों होगा तो अजीबुनी मुजारे में है प्रेजेंट में यूज करो ना इसे आज अब आयो अजीबो ऐसे मतलब मेरा मतलब ये है वाहिद मुतकल्लिम का सिगा यूज वाहिद मुतकल्लिम का आई है ना यहाँ पर इसी वजह तो हाँ हाँ आई लाइक यू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मतलब तुम मुझे पसंद आते हो यही स्टाइल है एज आपका यही तो पेचीदगी है यहाँ पे तभी तो पूछ लिया मुझसे वरना इतना इजी होता तो पूछते ही क्यों मुझसे वो तो इसकी जगह अगर हम कहें ओजिबो का तो ये गलत हो जाएगा तो है कि मैं तुम मुझे पसंद करते हो हाँ जी सर तब मफूल हो जाएंगे हम खुद हाँ तो यही तो थोड़ा सा पेचीदगी उसमें समझो जब भी ये वाला जुमला आया तो गौर कर लिया करना इस तरीके का ठीक है तो फिर उल्टा हो जाएगा कि यू लाइक मी चलें ये क्या है बताएं जल्दी से कौन बताएगा ये साहिद आप बताओ जी सर यहाँ पे क्या गैर मौका ढूंढने को कह रहे हैं हाँ जिसमें ताकत ना हो जी जी तो इसमें तो हाँ सही है करातुल के सतला ये तो देख पा रहे हैं कि इसमें ताकत नहीं लेकिन इस तरह तो जहाज आई ना हो इसका मतलब बता दीजिए थोड़ा सा बाकी दोनों नीचे दोनों में तो हम ताकत देख पा रहे हैं राय तो मुहम्मदन नफसहु उसके बाद करा तो कुल्लल किताब तो अभी टेंशन ना ले मैं बात कर लूंगा पहले आपको जितना समझ में आ रहा उतने पे काम कर लीजिए जी जितना भी जो समझ में आ रहा उसको बोलिए फिर मैं आगे बोलूंगा नीचे ता और सामे तो हम पूरी तरह से ताकत देख पा रहे हैं राय तो सवाल में जितना भी समझ में आ रहा है सवाल क्या है अरे आप पूरा मतलब सवाल पढ़ो सब कुछ पढ़ो पूरा बात करो हद्दिद अल जुमला गैर अल मुअक्कदति मिम्मा यली हां भाई की बस ये कहना चाह रहे हैं गैर मुअक्कदा मतलब जिसमें ताकीद नहीं है वो जुमला बताइए ठीक है जी सर हाँ तो करें एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन कर दीजिए आप जितनी करना है इश्तरेतुल जहाजा ऐनहु मतलब आप ही बता दीजिए पहला वाला इसको छोड़ दें अच्छा बा वाले में तो कोई ताकत नहीं है करातुल किस्सा था लहा मैंने उसकी किस्सा पढ़ी उसका किस्सा पढ़ा मैंने उसका किस्सा पढ़ा और तामे राय तो मोहम्मद नफ्सो मैंने मोहम्मद को ही देखा इसमें ताकत है मोहम्मद पे और सामे करा तो कुल्लल किताबी मैंने हर एक किताब पढ़ी पूरी किताब पढ़ी अच्छा पूरी किताब पढ़ी सारी तो पूरी किताब पढ़ी इसमें भी ताकत है बा में ताकत नहीं है लेकिन अली हम आप में से कौन है जो यहाँ पे ताकत देख पा रहा है टैलेंटेड बंदा मैं देखता हूँ देखा ये हम भी देखा अच्छी बात है
जी यहाँ जो आई नहीं है, ये आई नहीं, यही ताकिद है। कैसे? ये ताकिद माने भी है सर। नहीं, क्या तर्जुमा बताओ। ये नफ्स नुआइन, सॉरी सर, नफ्स का ही माना देगा। हाँ, नफ्स का ही माना देगा सर। हाँ, मतलब हम बोलते हैं ना आयन वही, आयन वही बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं ना अपनी जुबान में उर्दू वाली। आयन वही शख्स मुझे मिला तो मैंने वही आयन वही सामान खरीदा, ठीक है, आयन वही मशीन खरीदी, आयन वही मशीन या सामान खरीदा, समझ रहे हैं? तो उसी को आयन कर दिया, नफ्सहू को, नफ्सहू और आयनहू, ठीक है। और ये नफ्स का और आयन का इराब क्या होगा, कुछ पता है आपको? हालांकि हम मैं सिखा चुका हूँ इस चीज को। क्या सर? आप छोड़ो, शगुफ्ता आप बताओ, ये आयन का और नफ्स का इराब क्या होगा? सर जो इराब ताकीद पे आता है वही उसका, उसके पहले जो इराब रहता है जिस चीज की ताकीद की जाती है वही इराब उस पे भी आता है। माशाल्लाह, तो खुश कर दिया। कब का, अभी पढ़ा था हमारे साथ या पहले से? सर ये कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है ये लाइन मैंने। अच्छी बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जवाब दे दें बस। तीन है, तीन, एक ये है, एक ये है और एक ये भी है। हालांकि आप फिर बता दोगे, मैं किसी और से पूछूंगा। पहले ये वाला, पहले ये वाला, इस तरह ही। सर नसब होएगा। नसब होएगा क्यों? क्योंकि इस तरह ही तू जहाज जो उसमें है तो वो मफूल, क्योंकि जहाजा मफूल भी है और मफूल भी की ताकीद आ रही है, ठीक है जी। तो जो इराब जहाज का होगा वही मैंने वही सामान वही मशीन खरीदी, बिल्कुल टॉप क्लास आंसर है। अगला बताएं। करातुल किस्सता लखा। अरे नहीं, उसमें थोड़ी है ये वाला। राईतु मुहम्मद मुहम्मदन नफ्सहु, मैंने मोहम्मद को देखा, मैंने मोहम्मद ही को देखा। हाँ, मोहम्मद ही को देखा, तो इसमें मोहम्मद जो है ये मफूल हो रहा है, तो नफ्स का इराब, तो वो भी वो मंसूब होगा। ठीक, आगे वाला, बहुत अच्छे बच्चे, आगे वाला बताओ। कराता कुल्लू कुल्लू। अरे ये, अच्छा, जा मोहम्मद नफ्सु मोहम्मदुन मोहम्मदन, मोहम्मद इसमें फाइल हो रहा है तो वो भी मरफू होगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी लंबी बरकत दे। तो बहुत जबरदस्त, ठीक है, बाकी आगे के लिए रेडी हो जाएं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया है सबको? कंसेप्ट समझ में आ गया, ये ताकीद वाला जी। अच्छा ये बताओ, एक और देख ले रहे हैं, ताकीद वाला कंसेप्ट आया समझ में सबको? सर नफ्सहू होगा या नफ्सहू? नफ्सहू, क्योंकि मोहम्मद की ताकीद बन रही है वो। मैंने मोहम्मद ही को देखा, मोहम्मदन नफ्सहू, उसी को देखा यार, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तीसरे मोहम्मद, जा मोहम्मदन नफ्सहू, यही पूछ रहा है वो। अच्छा, जा मोहम्मदन नफ्सहू, यहाँ पे होगा रफा, क्योंकि मोहम्मद ही आया, मोहम्मद खुद आया, बल्कि तर्जुमा करते मोहम्मद खुद आया, मोहम्मद ही आया, मोहम्मद खुद आया, तो मोहम्मद की ताकीद हो रही है, मोहम्मद बन रहा है फाइल, तो ये बनेगा नफ्सहू हालत रफा में, ठीक है, ठीक है यार? यस सर। हाँ, तो क्लियर है। ये टॉपिक आता कहाँ है, ताकीद का टॉपिक किस अबवाब में आता है? ये आता है तवाबे में से, तवाबे में से। और तवाबे कौन है? एक कौन सा है आपका? अन्नात वल मनऊत, तो जो सिफत होती है सिफा मौसूफ सिफा, ठीक है। इसी तरीके से आपका तौकीद होते हैं, और कौन सा होता है? बदल, बदल होता है। चौथा क्या होता है? अत्फ बिल बयान, अत्फ बयान और अत्फ बिल हुरूफ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ी बहुत हमने इस पे बात कर ली है, बाकी हम याद दिलाना मुझे, ठीक है, इन दिनों में हम बदल को पढ़ लेंगे जल्दी में, मतलब जो भी इस महीने में पढ़ेंगे तो उसमें बदल को भी पढ़ लेंगे,
एक अहम टॉपिक है, ठीक है, समझ में नहीं आता जब तक समझोगे नहीं, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। इख्तर फेलन अजुअफा मिनल आतियती, इसमें से फेले अजुअब बताओ आप। अलीशा, ये पक्का आना यहां से, इसको देख लेना नसरीन, फिर से आएगा, पिछला भी आ चुका है पिछली वेबसाइट का, अब भी आएगा फिर से। सर पिछली बार कब से? तो ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन पेपर? किसी का नहीं, उस पर गौर मत करो, इनको चाहिए थे एमसीक्यूज थोड़ा नसरीन को, इसलिए ले आया मैं, बाकी ग्रामर का देख भी लेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक पे पूछ रही हूं, वो तो अच्छा पता नहीं, बीए हुए का है वैसे, एग्जाम का नहीं है, वो पढ़ाते हैं ना डिस्टेंस से केरला के, वहां से है बस बीए वगैरह का, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का नहीं है, ठीक है। सर ये ऑप्शन पूरे हैं 7 नंबर के? एक नीचे होगा शायद। अच्छा चले बात कर लेते हैं हम, अफाले मुतल्ला में से किसको क्या बोलते हैं बताइए। सर पहला मिसाल मुतल्फा को नाकिस, मुतल्फा को मिसाल, सॉरी मिसाल, मुतलाइन को अजवाफ और मुतल्लाम को नाकिस। मुतल्लाइन को अजवाफ और लाम को नाकिस, नाकिस। तो वजन क्या है? मुतल्फा मिसाल है, मुतल्फा है, फा कलमा में हरफे इल्लत है, ठीक है। कसम क्या है? सही है, सही है, फेले सही है। वजदा क्या है? मिसाल है, मिसाल है, मुतल्फा है, तो इसको याद कर लेना, ये याद कर लेना, हालांकि मदरसे में हमें कंफ्यूजन होता था इस पे मिसाल और नाकिस पे, और अब भी बहुत होता है, जैसे अभी बोल भी दिया था सईद ने नाकिस, तो इसको अच्छे से याद कर लेना मिसाल और नाकिस, ठीक है, मिसाल और नाकिस आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। मुतल्फा क्या है? मिसाल है, और मुतल्लाम क्या है? आपका नाकिस है। मुतल्फा मिसाल है और मुतल्लाम जो है आपका नाकिस है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे मुतल्फा मतलब अव्वल, मुतल्फा मतलब अव्वल पहला कलमा, तो वही अव्वल से लाम मिसाल, मिसाल ठीक है, अव्वल मुतल्ला, मुतल्फा क्या होता है? अव्वल होता है, पहला होता है, और उसी से अव्वल मतलब जिसमें लाम हो तो वो क्या है? मिसाल है। ये एक छोटी सी निमोनी सभी मैं सोच रहा था, मैंने ऐसे ही सोच लिया, तो आप भी अपना कोई सोच सकते हो पक्का करने के लिए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो। सो के भी पूछोगे कोई भी सोच सकते हो कि जो आखिर में काम अधूरा रह जाता है वो नाकिस होता है, तो आखिर में होगा नाकिस। हाँ दा, ठीक है, नाकिस, हाँ जो अधूरा रह जाता है, ठीक है, जिसको अधूरा रह गया नाकिस, अधूरा रह गया, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, तो नाकिस जो अधूरा रह गया आखिर में उसी को दा रमा, ठीक है, तो इसको कहते हैं, ठीक है। एक और आता है इसमें, इसी में मतलब हुरूफ इल्लत में ये तीन टाइप हो गए, एक क्या हो गया मिसाल अजवफ नाकिस, ये तब होता है जब एक एक हरफ इल्लत हो, एक एक हरफ इल्लत हो, और एक और होता है जब दो दो हरफ इल्लत हो, दो दो हरफ इल्लत हो, तो उसमें से जब दोनों हरफ इल्लत यानी तीन ही कलमे तो है, तीन ही कलमे तो है, तो उसकी दो ही शक्लें बन सकती हैं, जब तीन कलमे हैं तो दो ही शक्लें बन सकती हैं, या तो इन दोनों का हो या इन दोनों का हो, तो इन दोनों का मतलब इन दोनों का एक ही नाम होता है, या फिर इन दोनों का हो बीच का छोड़ के, तो दो ही शक्लें बनती हैं ना, यानी दो शक्लें ऐसी बनती हैं, या तो दोनों मिले हुए होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, तो मिले हुए होते हैं उसको बोलते हैं मकरून, लफीफे मकरून, लफीफे मकरून मतलब मिले हुए, और एक होता है लफीफे मफरूक मतलब दोनों जुदा जुदा, जुदा जुदा। मिसालें बता दे जल्दी से, जैसे लफीफे मकरून की एक आती तवा, तवा तो हरफे इल्लत ये भी है, हरफे इल्लत ये है दो और तीन में, और हवा, ठीक है, तो दो और तीन में, दो और तीन में, तो दोनों मिले हुए हैं, मिले हुए, मकरून माने मिला हुआ होना, मफरूक माने जुदा होना, इसका बताएं। ठीक है, क्या बोला? बा वा, ठीक है, तो ये पहला हरफ इल्लत, यहाँ पे हरफ इल्लत, तो मुझे लग रहा है सबको ये कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन ये नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, ये मिसाल नाकिस बार बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, ये टॉपिक भी पढ़ने का है अफाले मुतल्ला का, और मुदाफ एक होता है। चले इख्तर अल जुमला अल फेलिया, ये कहाँ का टॉपिक था? ये आपका सर्फ का टॉपिक था कहीं ना कहीं। इख्तर अल जुमला अल फेलिया, तो इसी से हमने देखा ताकीद का निकाल लिया, अब आप भाई साहब इससे सिर्फ ताकीद का थोड़ी निकालोगे, एनालिसिस क्या होता है,
एनालिसिस का मतलब कि तुमने ताकीद को तो देख लिया कि ताकीद को पढ़ना है, इसी तरीके से मैंने बताया कि सिर्फ ताकीद को नहीं पढ़ना है, आप देखो कि असल क्वेश्चन आपका पूछा कहां से है, असल क्वेश्चन आपका कहां से पूछा, तो मैंने बताया कि तवाबे से क्वेश्चन पूछा है, और तवाबे में 5-6 टॉपिक आते हैं, जैसे हमने देखा नाकनू। शमीम क्या कह रहे हैं आप, मनूत आता है, ताकीद आती है, बदल आता है, तो बदल का काम मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है, अत्व बयान भी आता है, और शायद इस तरीके के भी और क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे एनालिसिस करना होता है, और फिर जाके पढ़ो ना इस तरह जुमला फेलिया यकून फेलन बेहा मिसालन। ठीक है, बताएं बताएं इसका, बताएं क्या मैं नाम ले रहा हूँ, रुक जाए नाम ले रहा हूँ मैं, अक्सा आप बताओ बच्चे। जी सर, इबारत पढ़े समझाएं, पूरा सब कुछ समझना है, क्योंकि मुझे देखना है ना एग्जाम में आया तो आप कितना समझ पाओगे। जी सर, नार अल मुख्तरिम जाइजतन बा रज़ीतु बिहुक्मिल्लाह وحبني ابي पहले वो क्वेश्चन का पढ़ें उसका तर्जुमा बताएं। اختر الجمله الجمله الفعليه اختر بولेंगे जी, اختر الجمله الفعليه اختر الجمله الفعليه يكون الفعل اختر جي اختر الجمله الفعليه جمله الفعليه فعلي فعليتي यति, हाँ सही है, ये गलत है सर। इजरिब जैदन, इख्तरिल जुमलतल फ़ैलिया, इख्तर का मफूल भी बनेगा, तुम इख्तियार करो, तुम तो अंता क्या बनेगा फ़ाइल, और ये जुमला फ़ैलिया क्या बना मफूल भी, इख्तरिल जुमलतल फ़ैलिया, जुमला फ़ैलिया इख्तियार करो, यकूनो जो कि होगा फेल, ऐसा जुमला फेलिया यकूनु फीहा, ठीक है, यकूनुल फेलु बिहा, जिसमें फेल मिसाल होना चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया अभी, तर्जुमा तो चलो मैंने सब कर ही दिया। जी सर, बताएं फिर नारल जी सर वो नारल मुख्तरी जाइजतन, सही जवाब क्या पहले ये बताओ, इसमें मतलब पूछा क्या है कि जुमले फेलियो को तैयार यानी मुंतखब कीजिए जो जिसमें कि मिसाल में फेल बन रहा हो। सवाल जी सर रजी तो भी मिलना ही है, चलो कोई बात नहीं है, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ से, इसका जवाब दोगे तौहीद। सर सवाल समझ नहीं आ रहा है, वहब ने आबी आबी हदी आता, सवाल का मतलब समझ गए आप। जी जी, क्या है मिसाल के साथ जो फेल शुरू होता है वो खुजी चूज करिए, तो ये वाला सही है। जी नालाटा तो उटा सही है। रुक जाए जिन जिन को समझ में आ रहा है वो अपना हाथ उठा दें, क्वेश्चन समझ में आ गया जिनको। सईद, और किसको आया? सना, और किसको आया क्वेश्चन समझ में, हाथ उठा दें जल्दी से। चलें सना तौहीद आप बताओ फिर क्या है ये, आप पता नहीं बंगाली बोलने लगे थे क्या। जी जी बताएं, पहले नालाटा सही है, रजयतुटा सही है, और वहबनेटा मिसाल के साथ शुरू होता है, और नवाईतुटा सही। ये टो क्या है, टो आप नवे तो बोल रहे हो, नवे तो टो नाला टो, ये क्या है? ओ भी बोल रहे हैं सर,
ठीक है अच्छा सही समझा दो आप एज अ टीचर के समझा दो जी सर اختار الجملة الفعلية يكون مقرون ہے ٹھیک ٹھیک تھینک یو سوری تو چلیے میں سمجھاتا ہوں تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے وہ جملہ فعلیہ بتاؤ جس میں فیل یوز ہو اور وہ مثال ہو ابھی مثال ناقص اوپر تو پڑھ کے آئے اور کوشچن سے کبھی کبھی پیٹرن سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا یہ والا پوچھا ہے تو اوپر والا کوشچن سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایگزام میں بھی سمجھ سکتے ہو اس سے ज्यादा दिक्कत हो अगर कि अरे अभी हम मिसाल नाकिस की तो बात करके आए थे ऊपर मिसाल नाकिस अजुअफ की तो वही तो कुछ पूछ रहा है या और कुछ थोड़ी पूछ रहा है तो यहाँ पे देखा कि ऐसा फेल बताओ जो मिसाल यूज हुआ है नाला क्या है जो नामा है वही नाला है नाला क्या है नाला अजुअफ है नाला अजुअफ है रजी तो क्या है यानी रजिया क्या है नाकिस नाकिस वहाबा क्या है वहाबा مثال ہے نوائی تو کیا ہے نوا مقرون لفیف ہے لفیف مقرون ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز دیکھنا ہے تھوڑا سا کوشچن سمجھ رہا ہوں وبال جان بنا ہوا ہے اگلا بتائیں جلدی سے کون نہیں بولے ابھی تک شمیم آپ بتاؤ جلدی سے نائنتھ ٹین کر لے رہے ختم کرتے ہیں حدد جملت الفعلیہ تشتمل على حدد حدد الجملة الفعلية تشتمل على الفعل تشتمل على الفعل المهموز فعل محموز کسے بولتے ہیں جی محموز جس میں حمزہ ہو حمزہ کہیں پہ بھی ہو جب حمزہ فا میں ہوتا ہے تو اس کو محموز الفا بولتے ہیں جب عین میں ہوتا ہے تو اس کو محموز العین بولتے ہیں اور جب لام میں ہوتا ہے تو محموز اللام بولتے ہیں جیسے یہ والا کیا ہے محموز اللام ہے تو یہاں پہ کیا ہے نشا آخذہ کیا ہے محموز محموز الفا سالا کیا ہے محموز اللام سالا محموز العین ٹھیک ہے نشا کیا ہے محموز اللام ہے لام تو یہ مثالیں بھی اپنے ذہن میں رکھ لیا کرو ایسا نہ ہو کہ مثالیں ہی نہیں آ رہی ہیں تو کیا ہوا تو یہ نشا ہے کیا ہے یہاں پہ محموز الفا کتبا کیا ہے سمیا کیا ہے شریبا کیا ہے کتبا مثال سمیا مثال سر مثال سمیا اجوف شریبا ناقص ٹھیک ہے صحیح بول رہا ہوں میں غلط سر سر غلط بول رہا ہوں بالکل غلط ہے تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے کیونکہ کتبا ان میں سب صحیح ہیں ٹھیک ہے کیونکہ حروف علت جن کو بولتے ہیں حروف علت الف یا اور واو اور حمزہ کو یہ حمزہ بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے محموز بولنے لگتے ہیں اور جب ڈبل ہو جائے ایک اور اس طرح بچ ہے جیسے مسا کو کیا بولتے ہیں اے تلّا کیا ہے اچھا یہ تو وہ نہیں ہوگا یہ حروف اصلیہ میں تھوڑی ہے مضاف ہے سر حدد مضاف ہے یعنی تشدید کا کوئی ڈبل کوئی آ جائے ایک ساتھ ڈبل آ جائے ڈبل ٹھیک ہے یعنی ایک ساتھ جو تشدید بنتی ہے جو بالکل پاس ملے ہوئے تو اس کو مضاف بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مضاف بولتے ہیں تو یہیں تک کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی اگلے سوال دیکھ لیں جو کل ہم پڑھیں یہ تو اب پریشانی نہیں ہونی چاہیے اگلا سوال میں کس سے پوچھوں آواز آ رہی ہے میری ہلو جی سر آ رہی ہے تو اس کا جواب آپ علی شاہ آپ دو چلو جی سر اس میں صحیح چوز کرنا ہے سلاسۃ المدارسین یہ بھی غلط ہے اور سلاسۃ المدارسین یہ صحیح ہے بات صحیح رہے گا اس میں اور سلاسۃ یہ کیوں غلط ہے مجھے تو یہی صحیح لگ رہا نہیں سر کیونکہ اس کا جو ممیز ہوگا تو وہ جمع آئے گا اور یہ سلاسۃ واحد ہے مجھے یہ والا صحیح لگ رہا ہے یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں صحیح ہے یہ کیوں غلط ہے سر مدار یہ کیوں غلط ہے یہ بتاؤ پہلے آپ سر یہی پہلا والا صحیح رہے گا کیونکہ مدارس مذکر ہے اور یہ خلاف قیاس آتا ہے تو سلاسۃ صحیح رہے گا گریٹ یہی ہے علم آپ کا
सर मदारिस मुजक्कर नहीं ना सर, तब बा वाला सही रहेगा क्योंकि सलासा ये मुजक्कर है और मदारिस मुअन्नस है, तो इसके खिलाफ क्या आएगा तो बा सही रहेगा। मदारिस किसकी जमा है? मदरसतुन की। तो मदरसतुन क्या है? मुअन्नस। तो फिर ठीक है, तो ये मदरसतुन की जमा है, तो चुनांचे जमा आ गया तीन से लेके दस तक का जो कायदा है, पहला क्या है जमा मजरूर आएगी, तो हम मदरसा की जमा ले आए, हमें स्कूल तो बोलना था, मदरसा ही तो बोलना था कि तीन स्कूल तीन मदरसा, तो हमें पता चला मदरसा आता है, मदरसा की जमा आएगी, तो हम जमा लेके आ गए सलासतु मदारिसिन, ठीक है, तो ऐसे करके बोलेंगे मदारिसी सलासतु मदारिसी। फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये तीन से लेके दस तक जो है या तीन से लेके नौ तक, ये आपका क्या आता है खिलाफे क्यास आता है, मतलब मुदक्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुदक्कर लेके आते हैं, तो आपका मदरसा क्या था? मुअन्नस था, तो हम सलासा को जो आपका मुमय्यस है उसको क्या लेके आएंगे, जो आदद लेके आएंगे वो आपका मुदक्कर आएगा, क्योंकि मदरसा मुअन्नस है, बस यहीं पे था सिंपल सा। लेकिन आपको यकीनी कहाँ है सर? वो पता था लेकिन वो मदरसा लगा कि मुदक्कर है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आगे भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी चूंकि मुमय्यस तमीज का मसला हो गया है, कोई नहीं, चलें ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, शुक्रन जजीला, जजाकुमुल्लाह खैर, हसन जजा, बारकल्लाह।